धमकियां दी जा रही हैं। एक टेलीफोन जिसका कोई नंबर नहीं आता वहां से धमकियां दी जाती हैं, डराया जाता है, खौफ दिलवाया जाता है। एक आदमी बैठा हुआ है लाहौर में, उसकी सिर्फ एक मिशन है कि किसी ना किसी तरह इन चोरों को इलेक्शन जिता दे। वो लाहौर वाले को भी मैं बता रहा हूं कि तुमने जो मर्जी करना है, तुम सिर्फ अपने आप को जलील करोगे, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम जितनी धांधली करवाओगे, तुम जो मर्जी कर लो, धांधली के बावजूद इंशाल्लाह जब ये बाय इलेक्शन का अगले इतवार इनके फैसले आएंगे तो हमजा कुकड़ी वापस जाओगे। मेरे खुश आपके नौजवानों, अब मैं आपको एक मैं बात करना चाहता हूं, गौर से सुने और सामने बस बड़े गौर से सुने। अभी बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को उसकी अपनी जमात ने उसको बरतरफ कर दिया, हटा दिया। गौर से मेरी बात सुने कि मौलाना रूमी से किसी ने एक दफा पूछा, मौलाना साहब इंसान तो मरते हैं, कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा, जब वो अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है कौम मर जाती है। ये खुशाब के लोगों और नौजवानों, में खास तौर पे आपके लिए कह रहा हूं, अल्लाह ने मुझे मौका दिया सारी दुनिया देखने का। मैंने दुनिया में वो मुल्क देखे वसाइल के बावजूद गरीब गुर्बत, और मैंने वो मुल्क देखे स्विट्जरलैंड, मैंने देखा वसाइल ना होने के बावजूद दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है।